गाइस एक घंटा हो गया है तब से यार, बारिश ही लगी है, रुक ही नहीं रही है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के अभी 7 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं गाइस अभी करसोग, मैं और पापा जी। कुछ ज़रूरी काम है तो चलो फिर यहाँ पे ना यार, घास में ना बहुत ज़्यादा पानी फंस रखा है, फिर ना जूतों फंस जाता है और पूरे जूते गिर ले, तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यवस्था नहीं है, फिर अब बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता है इसमें। और जो चलो आपको ना परे पहुँच के ही बताते हैं क्या क्या है। वैसे तो संडे आज, बट हमने उन भाई को पहले फ़ोन कर रखा था कि हमारा काम करवा देना। और गाइस आज मौसम भी ना ख़राब ख़राब है, तो बस बारिश ना हो जाए, बस यही दुआ है भगवान से। बाकी चलो फटाफट से निकलते हैं। तो अभी गाइस हम लोग रोड में तो पहुंच गए और अभी जस्ट गाड़ी का वेट करते हैं, फिर चलते हैं एंड फिर आपको मिलते हैं उधर ही। तो कुछ ऐसे ऐसे रोड होते हैं यहाँ पे, इतने बड़े पत्थर जिसमें बड़े टायर वाली गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी तो छोटे टायर वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल है इसमें। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग करसोग पहुँच गए हैं, तो अभी अभी तो शॉपिंग की बंदी है, अभी एक भाई आएंगे फिर खोलेंगे। फाइनली गाइस ये अपनी स्कूटी रेडी कर दी उन्होंने, तो अब इसको यहाँ से हम निकालेंगे। गाइस मैं कसोब आया था, यहाँ पे कुछ मैंने सामान छोड़ा है और ये रही, अभी ऊपर मैं जल्दी दिखा नहीं पाया तो ये रही। बाकी अभी घर को निकलते हैं, अभी पिताश्री वेट कर रहे हैं, तो आपको घर में बढ़िया से रिव्यू देंगे इसका। तो बस इतना समझो कि एक्टिव 125 है और बाकी आपसे घर में करते हैं बात, फटाफट से निकलते हैं। गाइस एक घंटा हो गया है तब से यार, बारिश ही लगी है, रुकी नहीं रही है और हम रास्ते में स्टक हुए हैं। पिताश्री तो चले गए गाड़ी में और मैं यहाँ पे फंस रखा हूँ। देख कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी गाइस हम लोग आए हैं मंदिर पूजा करने के लिए, चलो चलते हैं। हेलो जी, तो चलो यार अभी आपसे थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, नहीं तो तब से मैं बिज़ी रहा हूँ और सुबह से बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। एक्चुअली यार ये स्कूटी जी थी पापा जी को, तो पापा जी ने ये स्कूटी ली है। एक्चुअली उनको ना डेली जाने के लिए दिक्कत रहती है, तो फिर हमारे अभी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है, वैसे बाइक भी, बट उनको बाइक चलानी आती है नहीं, तो फिर स्कूटी ले ली एंड फिर ये अचानक से प्लान बन गया, फिर सुबह चले गए उधर। एंड सुबह तो आज संडे है ना, तो थोड़ा लेट खुल गया वो। एंड अभी मैं रुकूँ अपने घर के रास्ते में, थोड़ा सा बात यहाँ पे करते हैं। तो क्या जी ये है स्कूटी 125 और फिर अभी हम मंदिर गए, फिर देखो इसमें ना थोड़ा कैसे टिक्का भी लगा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, वो भी मिट गया इसमें पूरा पूरा। तो अभी ऐसा करते हैं फटाफट से घर निकलते हैं। तो आज यार काफ़ी मतलब कम व्लॉग बन पाया, ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाया, तो ये है स्कूटी। तो बाकी पापा जी सीख लेंगे आराम आराम से, बाकी मैंने तो चला ही लिए और आज मतलब काफ़ी बढ़िया पावरफुल स्कूटी है, करसोग से तो मैंने लाई है। बाकी अभी कल फिर इसको फिर से करसोग ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेम्परेरी नंबर पे नहीं पड़ा है वो, देखो क्योंकि आज संडे था ना गाइस, तो इनके जो मेन शोरूम है सॉरी होंडा का मंडी में, तो वहाँ से भी इनको इश्यू नहीं हुआ कुछ भी, तो अभी इसकी पूजा वूजा तो बढ़िया मस्त करा रखे रखी है। तो अब आपको शायद कुछ टाइम बाद आपको मोटो व्लॉग देखने को मिल सकते हैं। तो अब यार अब इसमें थोड़ा सा रिस्क पता क्या रहता है, अगर तो दूसरा बंदा होगा उसके साथ ठीक है, पापा जी के साथ व्लॉगिंग करना ठीक नहीं रहता ना, ऊपर से बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, नहीं तो आज एक मस्त व्लॉग बनता डिलीवरी वाला,
तो फिर उधर वैसे चाबी चूप पकड़ने का सिस्टम नहीं था, हमने फिर अंदर गए, उनको पैसे दिए, चेक दिया और फटाफट से निकल के बाहर। फिर मैं करसोग गया, करसोग से कुछ काम था वहाँ पे, वो काम किया, फिर मैं आ गया वापस। तो अभी ये स्कूटी, तो अभी यार घर चलते हैं और फ़ोन में गाना गाइस 9% बैटरी बची है, फटाफट से चलते हैं, पूरा मैं भीग चुका हूँ, छोड़ो। और हेलमेट ने काफ़ी ज़्यादा बचाया, और इतना घटिया हेलमेट आना है गाइस जी, अभी मैं बेकार लग रहा हूँ इसमें, उनके पास हेलमेट ही यही थे। तो वैसे जो होंडा वाले भैया थे ना गाइस, इतने बढ़िया कोऑपरेट किया ना उन्होंने, मतलब थैंक यू भैया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, डिस्काउंट उन्होंने काफ़ी किया। तो यार गाइस अभी बारिश ना ज़्यादा ना हो जाए तो निकल। तो फाइनली यार गाइस अभी मैं घर पहुँच गया हूँ बड़ा बिग बुक के। तो बस ऐसा था यार आज का कुछ थोड़ा सा दिन, अब शाम हो गया और बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, नहीं तो मस्त वाला व्लॉग बनता, और आज ये बस इतना कर बना ना ही मेरे साथ कोई और शूट करने वाला था, तब भी और बढ़िया बनता ना, अकेले करूँ मैं कितना करूँ, ठीक है। तो अब ठीक ठीक व्लॉग आते रहेंगे आज। तो चलो यार आज के इस व्लॉग करते हैं ब्रेंड। हाँ, और एक क्वेश्चन काफ़ी बंदों के मन में सवाल होगा कि भाई कुछ यूट्यूब से तो नहीं आया कुछ पैसा वैसा उससे ले ली? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं आता अभी, तो जब आएगा तब आपको लग जाएगा पता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी पापा ने अपने पैसे से लिया। चलो आज के इस व्लॉग को करते हैं ब्रेंड। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड उसका जो बेल आइकन है उसको ऑल भी प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं गाइस आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और जल्द से कल ही मिलें क्योंकि कल मुझे फिर करसोग जाना है, और करसोग जाके इससे टेम्परेरी नंबर लगाना है, इंश्योरेंस लानी है, शाम को मैं फिर शिमला निकल जाऊंगा कल शाम को भी एक साथ। तो चलो यार गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।